आप सबका मेरे चैनल बिंदास कुकिंग विद रितु में बहुत बहुत स्वागत है। सुबह सुबह के समय और ब्रेकफास्ट के अंदर गर्मा गर्म गुजरात स्टाइल ढेबरे। ढेबरे एक गुजरात की बहुत फेमस डिश है, हर घर में बनाई जाती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। आज हम इसमें थोड़ा सा कुछ फ्यूज़न करेंगे। इसमें हम साथ में आलू का इस्तेमाल करेंगे, जिससे इसमें बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टनेस भी आ जाएगी और टेस्ट भी बिल्कुल डिफरेंट आएगा। आज हम अचारी ढेबरे बनाएंगे, वो भी आलू और मेथी के साथ। बिल्कुल नए किस्म का नाश्ता है। अगर आप पराठे के लिए एक अच्छा सा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, इसे घर में बना सकते हैं, टेस्टी भी और हेल्दी भी। सबसे पहले एक बाउल के अंदर एक कप बाजरे का आटा, आधा कप गेहूं का आटा, आधा चम्मच हम अजवाइन डाल देंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च डाल देंगे, एक चम्मच हम इसमें सौंफ डालेंगे क्योंकि अचारी ढेबरे हैं, एक चम्मच हम इसके अंदर निजेला सीड्स डाल देंगे, दो चम्मच हम इसमें सफ़ेद वाले तिल डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। एक टीस्पून हम इसमें नमक डालेंगे, नमक और लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। साथ में हम इसमें एक चम्मच अदरक और मिर्च का पेस्ट डाल देंगे और दो से तीन चम्मच हम इसके अंदर दही डाल देंगे। दही अगर एक दो दिन पुराना हो तो और भी अच्छा है, इससे थेपले बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। अब हम इसके अंदर तीन के लगभग जो आलू थे मैंने उनको अच्छी तरह से उबाल लिया था और घिस लिया है, और साथ में हम एक कप जो है बारीक कटी हुई इसमें ताजी मेथी मिला देंगे और दो चम्मच हम इसमें ऑयल, बटर या देसी घी जो आप चाहें वो मिला दें और इसे हम अच्छी तरह से गूंद लेंगे। हमें इसमें पानी मिलाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हमने दो चम्मच इसमें तेल डाला है, साथ में हमने दही डाला है, आलू डाला है, मेथी के अंदर भी थोड़ा बहुत पानी होता है, तो बस हमें इसी तरह से इसको अच्छी तरह से बाइंड करना है। इससे ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे और पानी ना मिलाने के कारण हम इन्हें दो दिन तक अच्छी तरह से रख कर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक इसका हम टाइट सा डो लगा लेंगे और इसे हमें रेस्ट कराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इसमें हमने नमक डाला है और आलू है, तो वो बाद में अगर रखेंगे तो इसमें पानी रिलीज़ कर सकता है। तो हम इसके ढेबरे बनाने स्टार्ट करेंगे। गुजरात के हर घर में ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से बनाया जाता है, कहीं कहीं इसके अंदर थोड़ा गुड़ भी डाला जाता है, लेकिन मैंने इसमें गुड़ नहीं डाला, गुड़ हम साथ में जो है वो सर्व कर देंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें और टेस्ट बढ़ाने के लिए हींग का पाउडर भी डाल सकते हैं। अब हम इसे एक रोटी की तरह बेल लेंगे और अगर आपको बिल्कुल गोल साइज़ की चाहिए, थोड़े किनारे तो फटेंगे क्योंकि इसमें मेथी है, लेकिन अगर आपको गोल चाहिए तो इस तरह आप ढक्कन से काट भी सकते हैं, वरना घर में ही बनानी हो तो आप इसे पराठे की तरह बस पतला पतला बेल लीजिए और तवे पर अच्छी तरह से सेक लीजिए। मैं आपको एक और बनाकर दिखाती हूँ। बस इस तरह से हमारे बहुत ही अच्छे नाश्ते के लिए एक बहुत बढ़िया ऑप्शन तैयार हो जाएगा। अब हम इन्हें गर्म तवे के ऊपर सेक लेंगे। एक तरफ से अच्छी तरह सेक जाने के बाद हम इसे पलट देंगे और जब दूसरी तरफ से भी हल्का सा सिक जाएगा तो हम इसके अंदर देसी घी, बटर या ऑयल जो आप अपने घर में इस्तेमाल करते हो उसके अकॉर्डिंग हम इसे अच्छी तरह से दोनों तरफ से करारा होने तक सेक लेंगे। हमें गैस का फ्लेम ज़्यादा तेज़ नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पर ही सेकने हैं। तेज़ फ्लेम पर ये ऊपर से सिक तो जाएंगे लेकिन अंदर से थोड़े कच्चे कच्चे रह जाएंगे, तो इसलिए हमें इसे मीडियम फ्लेम पर हल्के से पलटे से दबाते हुए अच्छी तरह से करारा होने तक सेकना है। सर्व करने के लिए आप इसके साथ अचार, दही, वैसे तो इसके साथ किसी भी चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं, आपको पता ही लग रहा होगा क्योंकि हमने इसमें इतने मसाले डाले हैं तो हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप चाहें तो इसे दही के साथ या चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, और इसे आप मक्खन के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बच्चों को तो मक्खन बहुत पसंद होता है, मैंने इसे बच्चों को मक्खन के साथ सर्व किया है, और बड़े लोगों के लिए आप इसे चटनी या गुड़ के साथ सर्व कर सकते हैं, गुड़ के साथ इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इस तरह एक एक करके हम सारे ढेबरे जो हैं वो आराम आराम से सेक लेंगे। आप चाहें तो इन्हें गरम गरम भी सर्व कर सकते हैं या बनाकर रख सकते हैं और बाद में सबको एक साथ सर्व कर सकते हैं, ये देखिए। और एक दो ढेबरे बनाने के बाद आप देखेंगे कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से प्लफी बन रहे हैं, ये देखिए फूल भी रहे हैं। तो इस तरह से हमारे बहुत बढ़िया एक ब्रेकफास्ट का ऑप्शन तैयार है जो घर में खाने में सबको बहुत पसंद भी आएगा और चटपटा और करारा भी लगेगा, और क्योंकि हमने इसमें बाजरे के आटे का इस्तेमाल किया है और बहुत सारे मसाले डाले हैं तो वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे भी हैं। सौंफ, अजवाइन, ये सब हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छे मसाले हैं। अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। आप सबका मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।